जैसे कि आप लोग जानते हैं 10 दिन पहले व्हाट्सएप चैनल एशियन टीवी एनआरक्यू 24 न्यूज और साफिया दक्कन में एक न्यूज वायरल किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि भाईनगर सालम चौक पर समद होटल नाम की जो होटल है वो 24 घंटे खुली रहती है और वहां पर दूर दूर से लोग शराब पीकर आते हैं और सिगरेट गुटखा जैसी चीजों का इस्तेमाल कर वहां का माहौल खराब कर रहे थे और गाली गलौज दिया कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां के अतराफ के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। इसी बात पर पुलिस ने उन लोगों पर बहुत बड़ा एक्शन लिया। बताया गया है कि इस वक्त वहां का माहौल बहुत ही अमन और सुकून में है और समद होटल रात के 12 बजे बंद हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों का ये मानना है कि इस तरीके का माहौल कुछ ही दिन रहेगा, बाद में फिर पहले की तरह वहां का माहौल गंदा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त भाईनगर सालम चौक पर एरिया एमएलए की नजर है, भाईनगर के सर्कल की नजर है, डीसीपी जी सत्यनारायण की नजर भी वहीं पर है और उसी के साथ साथ हैदराबाद के कमिश्नर की नजर वहीं पर है और मीडिया की भी नजर वहीं पर है। ऐसा वहां का माहौल कभी नहीं बदलेगा, हमेशा वहां का माहौल अमन और सुकून में रहेगा। और इस वक्त समद होटल रात के 12 बजे बंद हो रही है, इसी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। माहौल भी बहुत अमन और सुकून में है, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश भी हैं। इसके बावजूद भी हम आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि अगर आपको वहाँ का माहौल बिगड़ता हुआ नजर आए, सिर्फ सालम चौक का ही नहीं बल्कि सारे भवानीनगर के एरिया का अगर आपको माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, वहां पर लोग शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, आप लोगों को तकलीफ हो रही है, इससे वहां के घर वालों को तकलीफ हो रही है, तो आप हमें वहां का वीडियो सेंड कर सकते हैं, हम उस वीडियो पर इंक्वायरी करेंगे और पुलिस के जरिए वहां पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपका नाम को छुपाकर रखा जाएगा, आपके नाम को पोशीदा रखा जाएगा। इसी के साथ मैं ज़ैदा नाहिदा कादरी एनआरक्यू 24 न्यूज़ से इसी तरह मैं आपके सामने सच्चाई दिखाते रहूंगी। इंतजार करिए मेरे अगले न्यूज़ का। मेरे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।